Hi investors, welcome to SOIC. So first, before starting the video, a big thank you to each and every one of you for the love and support that you've given us over the years. Because आज SOIC की second anniversary है teaching की. And second anniversary क्यों है? क्योंकि हमारा जो first course member था या जो first student था, basically we started in 2020 November. And वहाँ से we have come across multiple industries, businesses, stocks, multiple styles of investing. And हमने आपको index investing भी सिखाई है, mutual funds बारे में भी सिखाया है. And in future we'll also be making videos about how to do your financial planning, अपने 3-year-old की financial planning कैसे कर सकते हैं, and different जो age categories हैं, अपनी खुद की financial plans कैसे बना सकते हैं. But in today's video, we'll be talking about 7 unheard companies that have actually displayed characteristics of consistent compounding. माने ऐसी 7 कंपनी जिनके बारे में ज्यादा कोई लोग बात नहीं करता, बट यहाँ पे consistent compounding जरूर हुई है. तो यहाँ पे हमारी इस वीडियो में इनकी 3 filtration criteria हैं. क्या 3 filtration criteria हैं? So first 3 filtration criteria is that these companies are less talked about. तो पहला filtration criteria तो ये है कि इन companies की ज्यादातर कोई बात नहीं कर रहा. सेकेंड की फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है कि इन कंपनीज की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की ग्रोथ है, दैट इज वेरी कंसिस्टेंट, कि ईयर ऑन ईयर इन कंपनीज की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ आ रही है या ईयर ऑन ईयर इन कंपनीज के कैश फ्लोज में ग्रोथ आ रही है. क्योंकि कई कई कंपनीज में हम देखेंगे कि कैश फ्लोज में ग्रोथ हो रही है एंड वेयर एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हो सकता है स्टैग्नेंसी हो, क्योंकि शायद से डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट हिट कर रहा हो, बट कैश फ्लोज में फिर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है. थर्ड हमारा की क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली ये जो कंपनीज हैं, दीज कंपनीज आर आउट ग्रोइंग द इंडस्ट्री. माने जो आज इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है, दीज कंपनीज आर टेकिंग अवे मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को ये कंपनीज आउट ग्रो कर रही हैं. दिस इज वाई दीज कंपनीज आर एबल टू ग्रो एट अ रेट ऑफ मोर देन 15-20%. सो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज. एंड एक जो बेसिक हाइजीन चेक रहता है, दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. कि आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, माने कि अगर आप कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं, माने एक बिजनेस कितना डेट और इक्विटी धंधे के अंदर लगा रहे हैं. इक्विटी होती है खुद की लागत, डेट होती है बाहर से पैसा लिया हुआ. तो अगर उसके अगर आप 20% भी नहीं कमा पा रहे, सो बेसिकली हम कहते हैं कि आपका जो ROC है, अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज्यादा है, तो दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब. एंड इंडिया में जो टिपिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट इज समवेयर क्लोज टू 10-12%, क्योंकि 10-12% वाले प्रोजेक्ट्स इंडिया में तो मिल ही जाते हैं. विद दिस लेट स्टार्ट द वीडियो एंड आज हम पहले जो फर्स्ट बिजनेस है उसकी बात करते हैं. फर्स्ट बिजनेस जिसकी हम बात करने वाले हैं, सो दिस इज अ केमिकल बिजनेस एंड थ्रू आउट द वीडियो वी विल ट्राई कि हम डिफरेंट सेक्टर्स में से ऐसी कंपनीज निकालें. सो नेम ऑफ द फर्स्ट बिजनेस इज SRF. एंड जब हम SRF की बात करते हैं, तो SRF बेसिकली कंग्लोमरेट बिजनेस है जिसके अंदर पैकेजिंग बिजनेस, टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस एंड केमिकल का बिजनेस है. केमिकल में जो बेसिकली फ्लोरिनेशन का बिजनेस है इसके अंदर ये है. तो फ्लोरीन एक तरीके की केमिस्ट्री है जिसके अंदर SRF डील करता है. एंड फ्लोरिनेशन भी SRF के डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस है. एक तो एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस है जो इनके फ्लोरो स्पेशलिटी के अंदर आता है. फिर इनके SRF का जो इसके अंदर बिजनेस आता है, एक फ्लोरोपॉलीमर्स का बिजनेस आता है एंड रेफ्रिजरेंट गैसेस का बिजनेस आता है, जो आपकी AC के अंदर गैसेस डलती है एंड जो आपके घर के फ्रिज होते हैं उनके अंदर गैसेस डलती हैं. बेसिकली जो कूलिंग का काम करती हैं गैसेस, दैट इज व्हाट SRF डज. एंड इंडिया में आज 3 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं इन रेफ्रिजरेंट गैसेस के. एक नवीन फ्लोरीन है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है और एक SRF है, और वैसे एक गवर्नमेंट कंपनी भी है बट उसकी कैपेसिटीज बहुत कम है. बट दीज आर द 3 मेजर कंपनीज. एंड आज रेफ्रिजरेंट गैसेस की मार्केट में भी एक वैक्यूम चल रहा है, क्योंकि चाइनीज कंपनीज पे US ने ऑलमोस्ट 160-200% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है. सो व्हाई इज SRF इंटरेस्टिंग? सिंपल थिंग, कि पहली चीज तो अनहर्ड कंपनी तो शायद से बहुत ज्यादा नहीं है, बट काफी कम लोग इस कंपनी बारे में बात करते हैं. सेकेंड रीजन इज कि कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द केमिकल डिविजन. तो यहां पे पैकेजिंग बिजनेस जो है इनका बॉप और बुपेट का, सो दैट इज अ सिक्लिकल बिजनेस, राइट? एंड वहां पे सिक्लिकैलिटी की वजह से इनके मार्जिन वॉलेटाइल रहते हैं. बट जब आप इनका केमिकल बिजनेस देखते हैं, तो वहां पे आपको एक बहुत लीनियर ट्रेंड दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी में. तो यहां पे केमिकल बिजनेस में आप देखेंगे तो 2011 में
इनका EBIT जो इसको हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं 289 करोड़ का था, जो आज 1400 करोड़ का हो गया। एक क्वार्टर में अब इनका EBIT ऑलमोस्ट 500 करोड़ का है, माने अभी 1400 करोड़ का EBIT है जो FY23 में क्वार्टर वन के अंदर ऑलमोस्ट 520 करोड़ का था और क्वार्टर टू में भी 500 करोड़ का था। तो माने दिस ईयर भी जो इनका रन रेट लग रहा है हम आराम से लाइक कुड बी बिटवीन समवेयर बिटवीन 1500 टू 2000 करोड़। सो दैट ऑल्सो इंप्लाइज कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में ग्रोथ केमिकल बिजनेस में अभी भी कंटिन्यू कर रही है काफी फास्ट। SRF पे हमने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस भी करा था, अगर आपको वो देखना था वो भी देख सकते हैं। बट कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग है कि यहां से क्या कंपनी में ग्रोथ आ सकती है, तो पहली चीज इंडिया का जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ही है दैट इज ग्रोइंग मच फास्टर देन दी अदर कंट्रीज। एंड सेकेंडली यहाँ पे SRF ने 13,000 to 15,000 करोड का केपेक्स अनाउंस करा है, जिसमें से 12,500 करोड़ एंड 13,000 करोड़ तक का केपेक्स इनका जो केमिकल डिवीजन है उसी के लिए, एंड दिस विल बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years। सो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जो आपको पढ़नी चाहिए या खुद इंडिपेंडेंटली स्टडी करनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ इस क्वार्टर में भी रिसेंटली इन्होंने एक एग्रोकेमिकल्स का 4 प्लांट के लिए 604 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है। EBIT मार्जिन इनके जो केमिकल बिजनेस में आप यहां पे देख सकते हैं कितने हैं, काफी सस्टेनेबल रहते हैं 20-25% के बीच में। पर यहां पे रिस्क क्या है कि 2017-2016 के अंदर एक डाउनटर्न था एग्रोकेमिकल की मार्केट में, तो वही एक यहां पे रिस्क पॉइंट रहता है कि अगर ये डाउनटर्न वापस आते हैं तो दैट कुड बी अ रिस्क एज अ पॉइंट ऑफ शैलो साइक्लिकलिटी। अभी ये कंपनी फ्लोरो पॉलीमर्स के अंदर एंटर कर रही है, तो फ्लोरो पॉलीमर्स भी जब हम फ्लोरिनेशन की बात करते हैं तो उसमें फ्लोरो पॉलीमर्स आते हैं। तो आपका फ्लोरो पॉलीमर्स में सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है टेफ्लॉन का, तो आपने टेफ्लॉन कुकिंग पैन्स देखे होंगे, कुकवेयर देखा होगा, तो टेफ्लॉन का उसमें बहुत ज्यादा यूसेज है। फिर इन लोगों का प्लान PVDF में भी एंटर करने का है, उसके साथ जो बैटरी केमिकल्स है उनके अंदर भी एंटर करने का है। PVDF का सेमीकंडक्टर्स में यूसेज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में यूसेज है। सो दैट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ दिस कंपनी। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड इसके साथ साथ अगर आप यहां देखते हैं कि क्योंकि ये कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है, तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप सिंपली ये देखते हैं कि यहाँ पे केमिकल बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है, तो हमने पहले बात करी थी डेट और इक्विटी की, तो केमिकल बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड ही 639 करोड़ से आज 6,243 करोड़ हो गए। एंड गोइंग फॉरवर्ड देयर लाइक प्लानिंग टू स्पेंड मोर देन 12,500 करोड़ इन केपेक्स, तो माने इनका कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस बिजनेस के अंदर कैन मोर देन डबल। सो दिस इज वाई दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जो आप पढ़ सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये तो हमने SRF की बात करी, अब हम सेकंड बिजनेस की तरफ आते हैं। सो सेकंड बिजनेस जिसकी हम बात करने वाले हैं, सो दिस इज अ बिजनेस विच एक्चुअली ऑपरेट्स इन इंडस्ट्री, जो आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इस इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। बेसिकली केबल्स एंड वायर्स डिवीजन में ऑपरेट करते हैं। एंड एक्चुअली में केबल्स एंड वायर्स की जब आप एंड यूसेज देखते हैं तो हर केपेक्स हैवी इंडस्ट्री या फिर हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो यहाँ पे एंड यूसेज में अगर आप देखते हैं तो पावर हो गया, ऑयल रिफाइनरीज होगी, रेलवेज होगी, ऑटोमोबाइल्स हो गए, सीमेंट हो गए, स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एंड जो आपका आपकी जो ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर भी यहाँ तक केबल्स एंड वायर्स की यूसेज है। सो दिस इज द यूसेज ऑफ केबल्स एंड वायर्स की मल्टीपल प्रॉक्सीज है। इट इज एक्चुअली द वेन्स ऑफ द नेशन, कि जैसे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं जिसके अंदर जो ब्लड है दैट इज कैरीड बाय द वेन्स, सिमिलरली द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड और द पावर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द नेशन इज कैरीड बाय केबल्स एंड वायर्स। So this is the purpose of this business and name of the company is KEI Industries. एंड के ई आई इंडस्ट्रीज की हम क्यों बात कर रहे हैं, तो पहली चीज एक बहुत ही बोरिंग बिजनेस है, केबल्स एंड वायर्स की कोई इतनी ज्यादा बात नहीं करेगा आपसे। सेकंड चीज है कि कंसिस्टेंटली इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है डैट हैव बीन ग्रोइंग। आई थिंक आज इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डैट इज समवेयर क्लोज टू 450 to 480 करोड़ के बीच में, जो एक टाइम पे सिर्फ 20-30 करोड़ के आसपास होता था। तो कंसिस्टेंटली ये कंपनी में ग्रोथ आ रही है, एंड ये ग्रोथ आ भी क्यों रही है, क्योंकि कंपनी की वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही है। तो कंपनी अगर आप इस कंपनी का मिक्स देखते हैं तो आपको सिंपली एक चीज और पता लगेगी कि मिक्स वाइज इस कंपनी में तो 35% इनका रिटेल बिजनेस है, माने जो बिजनेस टू कंज्यूमर है, 51% इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, एंड 15% यहां से इनका एक्सपोर्ट बिजनेस के आसपास है। तो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में भी क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज केबल बनाते हैं। तो एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज केबल बेसिकली इट्स अ केबल जो 400 वोल्टेज तक की इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती है, एंड देर आर ओनली 2 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस इन द कंट्री, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। तो एक यूनिवर्सल केबल्स है एंड एक आपका KEI इंडस्ट्रीज है। सो दीज आर दी ओनली 2 कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग विद इन दिस स्पेस एट द मोमेंट। पॉलीकैप भी इस स्पेस में एंटर करना चाहती है, बट रिसेंटली इस कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ
2023 फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट वॉज ऑफ 25%. तो जब भी आप कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं तो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ को सेपरेट कीजिए. तो केबल्स एंड वायर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जब आप केईआई के भी मार्जिंस देखेंगे तो 10-11% के बैंड में इनके ईबिटा मार्जिंस रहते हैं. तो माने मार्जिंस भी बहुत स्टेबल है बट इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% या 25% क्यों रहता है, क्योंकि ये एसिड टर्न्स पे कमाते हैं. सो दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ द बिजनेस इज. एंड एक बहुत ही बोरिंग बिजनेस है जहां पे 15-20% वॉल्यूम ग्रोथ आती ही रहती है. एंड मैनेजमेंट की भी क्या गाइडेंस है कि 16-18% वॉल्यूम ग्रोथ दे एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर एज वेल. ये जो मैनेजमेंट है उनकी गाइडेंस है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए बिकॉज एक बोरिंग बिजनेस है, एक सिंपल बिजनेस है और एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए समझना आसान है. केईआई की भी हमने वीडियो बनाई थी एंड इस वीडियो को आप देख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड बिजनेस. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड देयर आर फोर की थिंग्स अबाउट द एसओआईसी मेंबरशिप. तो पहली की थिंग है, सो वी एक्चुअली बिलीव दैट वी आर बिजनेस एनालिस्ट. तो कोई भी जो भी स्टॉक्स की रिसर्च करते हैं तो दे आर एक्चुअली बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस. सो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिसिस कोर्स वी हैव वन एसओआईसी इंटेंसिव कोर्स जो आपको बिजनेसेस के बारे में सिखाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनी की, उसके साथ साथ कंपनी में फॉरेंसिक शेनानिगंस कैसे देखते हैं, हाउ टू रीड एन एनुअल रिपोर्ट एंड ये सारी चीजें. इट्स एक्सप्लेन्ड इन अ 32-hour डिटेल्ड कोर्स जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है. सेकंड की एस्पेक्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप इज दैट वी हैव एक्चुअली लॉन्च्ड वन ऑफ द एसओआईसी सेक्टोरल एनालिसिस, जिसके अंदर क्या पार्ट है कि आपके 12 सेक्टर्स का एनालिसिस हो रखा है, क्योंकि एक्चुअली डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट लैंग्वेज है. तो आपको ये चीज जरूर समझिए कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको हर सेक्टर की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी. तो इवन फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट दिस इज वेरी फ्रेंडली, इवन for commerce people this is very interesting for them to learn. And यहाँ पे different sectors covered हैं, like hospital sector, QSR sector का भी 13 November को webinar हो रहा है जो SOIC tribe members के लिए. You can also register for it in the comment section below. And इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे life insurance का हो रखा है, general insurance का हो रखा है, उसके साथ साथ आप different sectors में देखेंगे तो IT sector का हुआ है, recently एक pharma and chemical sector पे एक और webinar हुआ था. Third aspect of SOIC membership is masterclass with super investors. तो यहाँ पे हम different investors है, उनसे सीखते रहते हैं. लाइक हमने अभी रिसेंटली एक टेक्निकल एनालिसिस पे सेशन करा था, तो हमने उनसे सीखा था मिस्टर हिमांशु शर्मा से. फिर हमने मिस्टर सजल कपूर के साथ एक सेशन करा था ऑफलाइन, तो हमने उनसे भी सीखा था उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी से. फिर हमने एक सेशन करा था विद मिस्टर अभिषेक बासु मलिक, हमने उनकी जर्नी से भी सीखा था. देन वी डिड मल्टीपल सेशन विद मल्टीपल इन्वेस्टर्स. तो एक एग्जाम्पल आप इस सेशन का देख सकते हैं जो हमने मिस्टर दिगंत हारिया साथ करा था. एंड एसओआईसी ट्राइब मेंबर्स कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस एज अ पार्ट ऑफ दीज सेशंस. देन अपार्ट फ्रॉम दैट lastly we have the SOIC financial literacy program जो इस टाइम पे शूट हो रहा है, इसका मॉड्यूल 2 इज ऑल्सो गोइंग लाइव, जो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, जो आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट्स क्या है, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू इंडेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. ये चारों कोर्सेज आर पार्ट ऑफ वन एसओआईसी मेंबरशिप एंड लिंक टू रजिस्टर फॉर द एसओआईसी मेंबरशिप इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड एसओआईसी मेंबरशिप के साथ साथ बिकॉज इट इज आर सेकेंड एनिवर्सरी सो यू कैन यूज द एसओआईसी 2 कोड विच विल गिव यू ऑल्सो लाइक अ परसेंटेज ऑफ एट द टाइम ऑफ फाइनल चेकआउट. सो दिस इज द एसओआईसी मेंबरशिप एंड सी यू इनसाइड द मेंबरशिप. नाउ गोइंग बैक टू द वीडियो, सो जिस बिजनेस की हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत बोरिंग बिजनेस है. सिमिलरली जैसे हमने केबल एंड वायर्स की बात करी, जैसे हमने फ्लोरिनेशन की बात करी, ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही एक सिंपल एंड बोरिंग बिजनेस है. दिस इज अ बिजनेस ऑफ बॉटलिंग. तो यहां पे हम वरुण बेवरेजेस की बात कर रहे हैं एंड वरुण बेवरेजेस रिसेंटली बहुत ज्यादा आने लग गया, बट वरुण बेवरेजेस को हमने आज से शायद से 4-5 मंथ्स पहले इसकी हमने बहुत एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी. बट वरुण बेवरेजेस को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसमें इंटरेस्टिंग है, सिंपल रीजन वॉल्यूम ग्रोथ. अगर आप यहां आज एफएमसीजी यूनिवर्स में वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं, डाबर में देखेगा 8% वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स, मैरिको में देखेगा 5% वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स, एचयूएल में देखेगा 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 इयर्स, नेस्ले में भी 5-7% से ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देखेगी, ब्रिटानिया में आपको 5.3% देखेगी, इमामी के अंदर आपको 5.7% देखेगी. बट वेयर एज इफ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ वरुण बेवरेजेस, तो लास्ट 3 इयर्स में दे हैव ग्रोन देयर वॉल्यूम्स एट अ रेट ऑफ 15%. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी. अगर आप एक किराने वाले हो और इफ यू आर अ रिटेलर एंड इफ यू आर सेलिंग पैकेट्स ऑफ चिप्स, अगर आज आपने 10 पैकेट्स बेचे एंड अगले साल आपने 15 पैकेट्स बेचे तो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ 50% है. अगर आपने इस साल 10 रुपीज पे बेचे एंड अगले साल आपने 15 रुपीज पे बेचे तो आपकी वैल्यू ग्रोथ भी उस सिनेरियो में 50% की है.
तो यहाँ पे टोटल ग्रोथ जो है उसमें वैल्यू एंड वॉल्यूम जरूर देखते हैं, बट द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रोथ इज एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ. दिस इज वाई दिस इज वन ऑफ द कंपनीज विच गेट्स फिल्टर्ड ओवर एयर. बोरिंग बिजनेस है, इंडस्ट्री को आउटग्रो कर रहा है डेफिनेटली, बिकॉज इनके पास अभी तक साउथ एंड वेस्ट इंडिया मार्केट इनके पास नहीं थी जो पेप्सी ने इनको रिसेंटली दी है, एंड पेप्सी का 85% मार्केट शेयर इनके पास है. तो दिस इज वाई लुक्स इंटरेस्टिंग. फिर इन्होंने एक न्यू कैटेगरी सीड कर दिया, दैट इज ऑफ वैल्यू एनर्जी ड्रिंक्स. तो स्टिंग करके इन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक निकाली है जिसकी आई थिंक सेल फर्स्ट हाफ में मोर देन 655 करोड़ हो गई थी. अभी इनके ऑलमोस्ट पूरे परसेंटेज का 12% के आसपास स्टिंग से आता है, एंड स्टिंग इज अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट. तो इनकी पर केस रियलाइजेशन बढ़ते जा रही है. जैसे अगर एक पेटी में 24 बॉटल्स हैं तो उसकी वजह से इनकी स्टिंग की वजह से जो रियलाइजेशन है वो बढ़ते जा रही है. क्योंकि पहले अगर आप 200 ml में कुछ चीपर बेच रहे हो तो स्टिंग क्योंकि आप 20 rupees के आसपास की है तो आपकी पर केस जो रियलाइजेशन का नंबर है माने प्राइसिंग का नंबर भी बढ़ रहा है और आपकी वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत आ रही है. एंड इंडिया एज अ कंट्री अभी भी जो अगर हम बेवरेजेस की बात करते हैं एक अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी है, इस वजह से डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे आ रही है. अगर आप इनकी वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 5 years में तो इनकी 279 मिलियन केसेस से आज इनकी जो वॉल्यूम है वो 670 मिलियन केसेस हो गई है. एंड नॉट ओनली इन इंडिया, दे ऑल्सो हैव कॉन्ट्रैक्ट्स अब्रॉड. तो माने कॉन्गो के अंदर अभी रिसेंटली इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड कॉन्गो में भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं. फिर पेप्सी ने इनको स्नैक्स बिजनेस भी दे दिया. पेप्सी का यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जो फ्रिटोलेज है माने लेज हो गया, चीटोज हो गया, डोरिटोज हो गया, टॉस्टिटोज हो गया, ऑल दीज ब्रांड्स आर ऑल्सो ओन्ड बाई पेप्सी. एंड पेप्सी ने इनको मोरक्को में इन सारे ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दिए. तो 150 करोड़ का बिजनेस है. एंड इस सारे ब्रांड्स के अलावा इन्होंने इनको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी दे दिए यहाँ पे. तो मोरक्को में इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होनी है. सिमिलरली अगर आप इस बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं तो आपको यहाँ पे पैट एंड सेल्स ग्रोथ दिखेगी. आपको यहाँ पे पता लगेगा कि इस बिजनेस का जो CAGR है रेवेन्यू का 4000 करोड़ से इनका जो टॉप लाइन है आज ऑलमोस्ट 11000 करोड़ का हो गया. Whereas EBITDA इस कंपनी का एक टाइम पे ऑलमोस्ट 83 करोड़ का होता था एक टाइम पे, जो बहुत ही कम होता था. Whereas that has gone somewhere close to 2480 करोड़ today. Profit after tax इस बिजनेस का अगर आप यहाँ देखते हैं तो 214 करोड़ से 1486 करोड़ हुआ है. तो यहाँ पे अगर आप इस बिजनेस का EBITDA देखते हैं तो EBITDA इस बिजनेस का एक टाइम पे 835 करोड़ होता था, जो आज बढ़ के 2480 करोड़ हो गया. सो ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ आई है. मार्जिन 22.6% है. वेरियस अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 214 करोड़ से आज 1486 करोड़ का हो गया. सो बेसिकली पैट का जो CAGR है 36% का है, रेवेन्यू का जो CAGR है 22% का है, एंड EBITDA का जो CAGR है अगर आप यहाँ देखते हैं तो डैट इज समवेयर क्लोज टू 19-20% का. सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस जो आप पढ़ सकते हैं. एंड अगेन बोरिंग आउटग्रोइंग द इंडस्ट्री क्योंकि साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया को भी पेनिट्रेट कर रहे हैं. एक न्यू कैटेगरी सीड कर दी है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की विच इज डूइंग वेरी वेल. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट्स. सो दिस इज व्हाई दिस बिजनेस ऑल्सो गेट्स फिल्टर्ड. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिजनेस. अब हम एकदम दूसरी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएंगे. जो हम अगले बिजनेस की बात करने वाले हैं दैट इज इन द फाइनेंशियल स्पेस. तो अब हम फाइनेंशियल्स की तरफ आ गए. एंड इस बार हम जो अल्ट्रा लार्ज कैप है कंपनीज की बात करेंगे, जायंट कैप कंपनी की बात करेंगे, दैट इज ICICI बैंक. तो जब हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसेंटली MD चेंज हुए थे आई थिंक 2018-19 में. सो दैट इज मिस्टर संदीप बख्शी इस बिजनेस में आए थे एंड उन्होंने इस बिजनेस की एसेट क्वालिटी पे बहुत फोकस करा. अगर आप इनके टेन्योर के अंडर एसेट क्वालिटी को देखते हैं तो एसेट क्वालिटी का आप तो पहले Q1 FY22 से देखते हैं तो ग्रॉस NPA दैट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने वो जो लोन इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर जो EMIs नहीं पे कर रहे वो 5.2% से गिर के ऑलमोस्ट 3.2% के टेज के आसपास आ गया. पर इनकी जो प्रोविजन कवरेज रेशियो थी वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास पहुंच गई. प्रोविजन कवरेज क्या होता है कि बेसिकली जो खराब लोन्स हैं उनके लिए आप सेट असाइड प्रोविजंस कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट पे. सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द बिजनेस कि आपकी PCR रेशियो भी बढ़ गई और आपकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई. बैंकिंग एक सिंपल बिजनेस है वेयर द मैनेजमेंट हैज टू बी स्मार्ट. कि अगर मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली स्टूपिड थिंग्स नहीं करेगी तो वो मैनेजमेंट स्मार्ट बनी ही जाएगी. दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ बैंकिंग इज एट द एंड ऑफ द डे. तो इन्होंने बैंकिंग बुक को बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करा. अगर आज आप ICICI बैंक की बैंकिंग बुक देखते हैं तो देन यू विल फाइंड कि 54% ऑफ द लोन्स आर रिटेल लोन्स. एंड यहां पे भी क्या है, 34% इज मॉर्गेजेस,
उसके बाद 4.5% इज ऑटो फाइनेंस, 2.8% इज कमर्शियल व्हीकल्स, फिर टू व्हीलर लोन्स आर ऑलमोस्ट 8% के आसपास, फिर आपके पर्सनल लोन्स आर क्लोज टू 3.5% के आसपास, एंड जो आपके क्रेडिट कार्ड्स भी हैं यहाँ पे आई थिंक टू व्हीलर पर्सनल लोन्स आर क्लोज टू 7.9%, एंड आपके जो टू व्हीलर लोन्स हैं दैट इज समवेयर क्लोज टू 3% के आसपास. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस बैंक, कि आपने रिटेल ओरिएंटेड बैंक बना दिया फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैंक. कॉर्पोरेट बैंक को भी देखते हैं तो आपको यहां पे पता लगेगा कि कॉर्पोरेट बैंक में भी दे हैव स्टार्टेड लेंडिंग टू हायर रेटेड कॉर्पोरेट्स, माने कॉर्पोरेट्स की ना क्रेडिट रेटिंग होती है, या तो इकरा करते हैं या तो क्रिसिल करते हैं या तो केयर करते हैं, तो यहां पे इनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है दैट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड कि कौन कितना अच्छा बच्चा है पढ़ने में, कि किसी के ए प्लस आते हैं, किसी का ए आता है, किसी का बी आता है, किसी का सी आता है. तो आपको बैंक जो कॉर्पोरेट फोकस बैंक है आपने उसको आपने क्या देखना उसमें कि कॉर्पोरेट्स में वो कौन से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को लोन दे रहे हैं. तो यहाँ ICICI में अगर आप इनका मिक्स शिफ्ट देखते हैं तो 2019 में ए माइनस एंड अबव कॉर्पोरेट्स देखेंगे तो 57% ऑफ द बुक्स थे, तो आज 2022 में सेप्टेम्बर 30th को 73% ऑफ द बुक हो गए. तो माने जो अच्छे बच्चे थे, माने जो अच्छे बिजनेस वाले थे या जो अच्छे बिजनेसेस थे उनको ज्यादा लोन देना चालू कर दिया एज कंपेयर टू द नॉटी कॉर्पोरेट्स. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रियलाइज कि कॉर्पोरेट बुक की जो इंप्रूवमेंट होती है वो कॉर्पोरेट एंड रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स में ऐसे होती है, एंड दिस इज व्हाई यू हैव टू लुक एट एंड दिस इज व्हाई यू कैन स्टडी दिस बैंक इंडिपेंडेंटली. तो अभी हमने ICICI बैंक की बात करी और यहां पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में देखते हैं तो इस बैंक का इस टाइम पे जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन एसेट ऑलरेडी 2.06% हो गए, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी 17% के आसपास है. रिटर्न ऑन एसेट का क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी. माने बैंक एक बेसिकली एक लेवरेज बिजनेस है, माने कर्जे का बिजनेस है. इसका क्या मतलब है कि आप खुद के 10 रुपए लगाते हैं एंड आप जो लोग हैं उनके बाद में 90 रुपीज लगाते हैं, तो टोटल में 100 रुपीज लगते हैं. तो टोटल बैलेंस शीट पे जब टोटल एसेट साइड में एसेट के साइज पे देखते हैं तो इस टाइम पे ICICI 2% कमा रहा है, विच इज लाइक टीयर वन फॉर द बैंक्स, माने बैंक्स में लार्ज बैंक्स में इट इज वन ऑफ द बेस्ट. एंड सेकेंडली जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, जो मैंने खुद के 10 रुपीज कमाए उस पर मैं कितने कमा रहा हूं, तो ICICI उस पर ऑलमोस्ट 16-17% कमा रहे, विच इज अगेन अ वेरी गुड मेट्रिक फॉर अ लार्ज कैप बैंक. सो दिस इज वाई दिस इज वन ऑफ द बैंक्स जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है एंड यहाँ पे लोन्स की डिसबर्समेंट पिकअप हो रही है, एंड इंडिया में बैंक्स की जो क्रेडिट साइकिल है इस टाइम पे अच्छी बेसिकली एक गुड पिकअप फेज के थ्रू जा रही है. सो दिस इज आवर फोर्थ कंपनी ICICI बैंक जो हमने फाइनेंशियल्स में पढ़ी. अब हम आते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ कंपनी जो एकदम डिफरेंट सेक्टर में, दैट इज इन फार्मास्यूटिकल्स. तो अब हम बात करेंगे सिंजीन की, कि सिंजीन क्या करती है. तो सिंजीन एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, माने इट्स अ CRDMO बिजनेस, माने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिसर्च भी करोगे, तो आप अपने साइंटिस्ट को एज अ फी फॉर सर्विस रखते हो. जैसे IT बिजनेसेस में देखोगे फी फॉर सर्विस होता है, सिमिलरली यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स उठाते हो तो आपके साइंटिस्ट फी फॉर सर्विस काम करते हैं, एंड इसके साथ साथ और भी क्या होता है कि फुल टाइम इक्विवेलेंट भी आपके साइंटिस्ट काम करते हैं. जैसे इनके यहाँ पे लैब्स भी हैं जो डेडिकेटेड है, तो बैक्स्टर का यहाँ पे एक लैब भी डेडिकेटेड है सिंजीन के साथ, ऑलमोस्ट 20 इयर्स का कोलैबोरेशन है कि सिंजीन जो बैक्स्टर है, बैक्स्टर की लैब है बट उसको ऑपरेट कौन करता है, सिंजीन. एंड जो वहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं दे वर्क ऑन फुल टाइम इक्विवेलेंट बेसिस, इवन तो वो सिंजीन के हैं बट बेसिकली वो इनडायरेक्टली आर एम्प्लॉयड बाय बैक्स्टर. दिस इज द पार्टनरशिप लेड मॉडल. अभी तक सिंजीन के बिजनेस में ड्रॉबैक क्या थे कि सिंजीन एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, माने ये सिर्फ रिसर्च का काम करते थे, पर जब मॉलिक्यूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डेवलप होता था, फार्मा इनोवेटर लेके आता था, उसके बाद डेवलपमेंट हो जाती थी, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो मैन्युफैक्चरिंग को किसी और से कराते थे. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी बन गए, एंड रिसेंटली इन्होंने ज़ोएटीस के साथ ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की डील लैंड करी है. एंड जब आप इस 4,000 करोड़ की डील को देखते हैं, सो दिस इज फॉर अ मॉलिक्यूल बाय द नेम ऑफ लिब्रेला. तो अगर आपके डॉग्स को आर्थराइटिस होता है तो दिस इज बेसिकली ये मॉलिक्यूल डॉग्स के जो आर्थराइटिस है उनको ट्रीट करने के लिए, एंड इट्स एन इंजेक्टेबल तो उनके पेन रिलीफ के लिए. एंड ये जो मॉलिक्यूल है इट्स एन इनोवेटर मॉलिक्यूल, यूरोप में स्मैशिंग हिट मॉलिक्यूल है, एंड साथ साथ अभी इसका लॉन्च जो लॉन्च है वहां पे भी हुआ है US में, एंड $500 million का कॉन्ट्रैक्ट है जो FY24 से स्टार्ट होता है फुल फ्लेजेडली. फिर साथ साथ इनकी मैंगलोर की भी फैसिलिटी है जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का केपेक्स करा है, जिसका भी अप्रूवल इनको USFDA का सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से आना है. यहां पे हम ये बिजनेस आपके साथ क्यों डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप इनके कैश फ्लोस का स्केल अप देखेंगे, 80 to 150 करोड़ का कैश फ्लो आज ऑलमोस्ट 700 to 800 करोड़ के कैश फ्लो हो गए,
एंड मार्जिन्स अनलाइक अदर फार्मा बिजनेस हमेशा 28-32% के एक स्टेबल बैंड के अंदर है. तो एक बोरिंग बिजनेस है, बेसिकली बोरिंग काम है. एक ऐसा बिजनेस है कि इंडस्ट्री 6-8% पे ग्रो कर रही है, बट ये बिजनेस 10-15% पे ग्रो कर रहे हैं. एंड एक ऐसा बिजनेस है जो अपने कैश फ्लोस को री इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज वाई सिंजीन गेट्स फिल्टर्ड. तो अब हम अगले बिजनेस इसकी बात करेंगे. सो अगेन इट्स अ वेरी बोरिंग इंडस्ट्री, एंड ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें बार बार अपने आसपास दिखती ही है. अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे अगर आप स्टील ट्यूब के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, साथ साथ अगर आप किसी भी रेलिंग पे हाथ लगाते हैं, किसी भी दरवाजे को खोलते हैं, जिम के डंबल को पकड़ते हैं, ऑल दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टील ट्यूब. तो घर की रेलिंग हो गया, जिम के डंबल्स हो गए, एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर्स हो गए, साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चरल पाइप्स भी हो गए, एंड घर के बाहर भी बहुत सारा जो आजकल स्टील लगता है गेट्स के ऊपर, ऑल दैट इज द यूसेज ऑफ स्टील ट्यूब्स. एंड स्टील ट्यूब्स आर रिप्लेसिंग वुड टुडे. सो दैट इज द यूसेज ऑफ स्टील ट्यूब्स. एंड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब की मार्केट में यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर कौन है? दैट इज APL अपोलो. तो हमने APL अपोलो की भी वीडियो, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज जो हमने चैनल पर बनाई थी है. एंड यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है कि दिस कंपनी कंज्यूम्स क्लोज टू द 2% ऑफ इंटायर स्टील कंजम्पशन ऑफ इंडिया. क्योंकि आप इतने ज्यादा अपफ्रंट स्टील बाइंग करते हैं, सो यू ऑल्सो गेट अ 2-3% डिस्काउंट. साथ साथ अगर आप कंपेटिटर्स से कंपेयर करेंगे, सो आप कंपेटिटर्स इनके देख सकते हैं, लिस्टेड स्पेस में है, उनका नाम नहीं लेंगे हम. तो कंपेटिटर्स से इनकी कैपेसिटी इज मोर देन 4-5x. तो इनकी कैपेसिटी 2008 में 80,000 टन की थी, जो आज 25 लाख टन पर एनम की होगी, जो आने वाले 2 साल में 40 लाख टन पर एनम की हो जाएगी. तो माने कैपेसिटी पे आपने 50x का स्केल अप कर दिया लास्ट 14-15 years में. यहां पे कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अगर आप देखते हैं, तो क्वार्टर टू के जो इनके जो भी प्राइमरी अपडेट आया था, तो क्वार्टर टू में इनकी सेल्स 602,283 टन्स की हुई है MTPA की, जो क्वार्टर टू FY22 में 427,387 मेट्रिक टन पर एनम की हुई थी. सो बेसिकली 40% प्लस की वॉल्यूम ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर ईयर ऑन ईयर एंड इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है. तो 1 मिलियन टन माने 10 लाख टन की जो इन्होंने कैपेसिटी है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर सेल आउट कर दी है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में भी देखते हैं क्या होते हैं. बट दिस इज वाई दिस इज वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग बिजनेसेस जहां पे ब्लिट स्केलिंग हो रही है. एक बोरिंग बिजनेस है क्योंकि ये हमें बिजनेस इतना रियलाइज नहीं होता, बट इंडिया में आजकल प्री मेड बिल्डिंग्स का ट्रेंड आ रहा है कि ऑलरेडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर विल बी मेड बाय अ स्टील ट्यूब एंड उसके बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू होगी, राइट. तो उससे क्या आएगा कि आपका जो RCC और जो आपका बाकी जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो टाइम की बहुत सेविंग होगी. तो दिल्ली में भी इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, शालीमार बाग में बनाए हैं. तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे APL अपोलो की स्टील ट्यूब से प्री मेड जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है वहां पे ऑफिस है, वहां पे बेसिकली हॉस्पिटल्स बने. वेयर हाउसेज में भी इस चीज की यूसेज बढ़ते जा रही है. एंड मोर ओवर व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द बिजनेस इज कि वॉल्यूम ग्रोथ है, डबल डिजिट है. सेकंड चीज, मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं. आज 50-55% मार्केट शेयर हो गए. साथ साथ मार्केट क्रिएशन भी करते जा रहे हैं कि डिफरेंट मार्केट्स क्रिएट करें. तो अपोलो ट्राइकॉट के प्रोडक्ट्स की कोई मार्केट नहीं थी आज से 4-5 साल पहले, तो अपोलो ट्राइकॉट के प्रोडक्ट्स की भी मार्केट क्रिएट कर दी. अब बेसिकली ऐसे पाइप्स के अंदर आ रहे हैं जो लार्जर डाई हैं, तो वैसे इनका जो जनरल EBITDA पर टन है वो 4,000 से 5,000 रुपए का है, पर अब जो नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, कलर कोटेड ट्यूब्स होगी या जो हैवी स्ट्रक्चर ट्यूब्स होगी, तो वहां पे 10,000-12,000 EBITDA पर टन इनका बनेगा. जो छत्तीसगढ़ में इनका प्लांट स्टार्ट हो रहा है वहां पे स्टील सिटी ऑफ इंडिया बना रहे हैं, क्योंकि 300 एकर्स का प्लांट है. सो दिस इज वाई दिस इज वन ऑफ दोज बिजनेसेस जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्जिन इसका हमेशा 5-6% EBITDA मार्जिन रहेगा, क्योंकि EBITDA पर टन 4,000 से 5,000 रुपए के बीच में रहेगा. बट ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और एक बोरिंग बिजनेस है एंड एक ऐसा बिजनेस है विच इज अनहर्ड ऑफ एंड ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इसके बारे में बात नहीं करते. फाइनली कमिंग टुवर्ड्स द एंड एंड टू द लास्ट बिजनेस ऑफ द डे, एंड जिस लास्ट बिजनेस की हम बात करने वाले हैं, अगेन दिस इज टोटली फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्टर. सो दिस कम्स टू द म्यूजिक सेक्टर. एंड जब हम म्यूजिक सेक्टर की बात करते हैं, तो म्यूजिक इंडस्ट्री कैसी है जिसका चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहे. तो आई सजेस्ट कि आप प्लेलिस्ट करके नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है 6 एपिसोड्स की, आप देख सकते हैं, बिकॉज मतलब वो एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है जो आपको बताएगा कि इंडस्ट्रीज एक्चुअली में चेंज कैसे होती है. क्योंकि फाइनेंशियली उनको पढ़ना अलग चीज है, बट लिविंग थ्रू दोज चेंजेस इज वन हेल ऑफ अ थिंग. एंड उन चेंजेस में कैसे पैसे बनते हैं, फिर कहां पे प्रॉफिटेबिलिटी घटती है, कहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप पढ़ सकते हैं खुद इंडिपेंडेंटली. तो यहां पे इस इंडस्ट्री के अगर आप ग्रोथ देखते हैं, तो 2001 से लेके 2014 तक ये इंडस्ट्री डीग्रो कर रही थी बिकॉज ऑफ पायरेसी.
क्योंकि कैसेट्स हो गए, सीडी होगी या ये सारी चीजें होगी, हम लोग सारे क्या करते थे कि वेबसाइट से ही जाके सुन लेते थे। मेरे को आज भी याद है कई लोग songs.pk पे जाके गाने सुन लेते थे, कई लोग टॉरेंट से डाउनलोड करते थे। तो सिमिलरली क्या हुआ कि जब YouTube आया एंड स्पेशली जब स्ट्रीमिंग सर्विसेज आई लाइक iTunes या फिर समथिंग लाइक Spotify ऑल्सो केम अप रिसेंटली, तो हम सब ने गाने डाउनलोड करने बंद कर दिए। अब हम रेडियो की तरह गाने ऑनलाइन सुनते रहते हैं। तो रेडियो पे क्या है कि जब आप गाना चेंज करते हैं तो गाना चेंज हो जाता है फ्लॉलेसली। सिमिलरली अगर आप कोई स्ट्रीमिंग सर्विस यूज करते हैं लाइक Spotify, विंक म्यूजिक या फिर अगर आप कोई और करते हैं सावन टाइप, तो सीमलेसली आपका गाना चेंज हो जाता है। तो अगेन दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट केम अप, जो हमारे लिए आइडिया ऑफ म्यूजिक था। तो फ्रॉम सीडी एंड कैसेट्स दैट वेंट टू बेसिकली अ सिंपल प्लेयर ऑन आर ओन फोन्स एंड स्मार्टफोन्स। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड इसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी ऑफ म्यूजिक लाइब्रेरीज, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड लेबल्स थे लाइक सारेगामा, टी सीरीज, टिप्स, ऑल दीज कंपनीज स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि इस इंडस्ट्री पूल में 65-70% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो रिकॉर्ड लेबल्स है इनके पास है। जिस कंपनी की हम यहाँ बात कर रहे हैं इसका नाम है सारेगामा, एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट प्ले ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स, जो बेसिकली यंगस्टर्स आजकल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं या फिर इंस्टा रील्स बहुत सारी देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत सारी देख रहे हैं। तो इस बिजनेस में क्या इंटरेस्टिंग है, अगर आप लाइसेंसिंग बिजनेस को देखते हैं, सो लाइसेंसिंग बिजनेस इज द वन विच कुड एक्चुअली डिस्प्ले कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लाइसेंसिंग बिजनेस को देखते हैं तो 147 करोड़ से आज 358 करोड़ का हो गया इन द लास्ट 4 ईयर्स। अगर आप म्यूजिक सेगमेंट को देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस बिजनेस में लास्ट 5-6 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है। इस बिजनेस में कारवा भी है, तो कारवा के आपको बिजनेस को एक्स आउट करके ग्रोथ देखनी पड़ेगी, बट कंसिस्टेंटली काफी सारे क्वार्टर से यहां पे ग्रोथ आ रही है। तो इस कंपनी ने क्या करा रिसेंटली कि ये कंपनी जितना भी इंडस्ट्री के अंदर कंटेंट आ रहा है उसमें से 25% ये लोग अक्वायर कर रहे हैं, एंड ऑल्सो दे आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। तो डू दिस एक्सपेरिमेंट, सोशल ब्लेड करके एक वेबसाइट है जहां पे आप देख सकते हैं कि कौन से चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो सारेगामा भोजपुरी, सारेगामा गुजराती एंड साथ साथ जो सारेगामा पंजाबी चैनल है एंड साथ साथ सारेगामा बंगाली चैनल है, यहाँ पे आप इन 4 चैनल्स पे जाके देखिए कि इन चैनल्स पे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं एंड कितने व्यूज बढ़ रहे हैं। यू विल गेट एन आंसर कि वाई इज दिस कंपनी गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर इन द रीजनल कॉन्टेंट, क्योंकि गेम ऑफ कॉन्टेंट हैज चेंज टू रीजनल कॉन्टेंट। अगर कोई भोजपुरी में वीडियोस बना रहे हैं या कोई अगर भोजपुरी में बेसिकली सॉन्ग्स आ रहे हैं, सो दैट इज वॉट इज वर्किंग अलॉट दीज डेज। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंपनीज जो आप ट्रैक कर सकते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो ईबिटा मार्जिन है आज 31% के आसपास है, पैट मार्जिन इस कंपनी का 24% के आसपास है। इंडिया में कितनी कंपनीज हैं जिनका पैट मार्जिन 24% है एंड येट दे आर ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ मोर देन 20%। तो दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंपनीज विच वी विल स्टडी। इसके बाद अगर हम फाइनली आते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस लिस्ट से छूट भी गई, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग ड्यूरेशन भी होती है, बट बहुत सारी जो हमारी अगर और भी हम कंपनीज देखते हैं जो अनहर्ड ऑफ कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं, तो एक आपका रेडिको खैताना है इसमें, तो एक ऐसी अल्कोहल कंपनीज है विच इज ग्रोइंग इट्स वॉल्यूम्स इन डबल डिजिट्स एंड इट इज गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम MNCs। फिर मेट्रो ब्रांड्स है, फिर वेदांत फैशंस है, फिर PI इंडस्ट्रीज है जो मल्टीपल ईयर से ऐसा काम कर रहे हैं, फिर गुजरात फ्लोरोकेम है, पर गुजरात फ्लोरोकेम में अभी भी देखना है कि ये स्केल अप कर पाते हैं नहीं कर पाते, न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर्स का जो बैटरी केमिकल्स में यूज होएगा और सेमीकंडक्टर में यूज होएगा। फिर ट्रेंट है, जो ट्रेंट आपका जारा का ओनर है, आपका जो वेस्ट साइड का ओनर है और आपके जूडियो का जो ओनर है। फिर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है जो सीडी साइकिल का एक प्रॉक्सी है, बट येट इट इज डूइंग वेरी वेल एंड आई थिंक इनका 20% केगर का ग्रोथ गाइडेंस है। फिर आपका सुंदरम फास्टनर्स है जो फास्टनर्स के बिजनेस में है, एंड फास्टनर्स में क्या है कि फास्टनर्स आपके ट्रक में यूज होते हैं, सीवी में यूज होते हैं, ऑटो में यूज होते हैं, बट ये ऐसे फास्टनर्स बना रहे हैं जो डिफेंस में भी यूज हो रहे हैं, विंड एनर्जी में भी यूज हो रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज हो रहे हैं। दिस हैज बीन अ कंपनी विच हैज बीन डूइंग वेल फॉर द लास्ट 2 decades नाउ। इनके प्लांट्स चाइना में भी है एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो सप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ यूरोपियन क्लाइंट्स आउट ऑफ इट। और भी अगर हम देखते हैं, जहाँ पे एक कंपनी आएगी बाय द नेम नवीन फ्लोरीन जो भी बहुत बड़ा केपेक्स कर रही है, सुमितोमो केमिकल्स, पॉलीकैब, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, कॉन्टिनेंटल कॉफी, इसकी भी हमने वीडियो बनाई है, एंड टाइटन। तो ऑलमोस्ट इन सारी कंपनीज की हमने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है एंड इन सारी कंपनीज की आप वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंड दिस वॉज अ वीडियो ऑन अनहर्ड ऑफ कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, क्योंकि यूजली हम जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में हम देखते हैं तो वो सारे नेम्स हमें पता ही रहते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द बिजनेसेस जिनकी एक रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा बात नहीं करता। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टू SOIC ओवर द ईयर्स एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC। जय हिंद।